ਹੋਰ ਉੱਲਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਦਾ ਇੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਗਾ ਰੋਡ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣੇ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪੜ ਗਿਆ, ਕਹਾਂ ਪੇ ਡਿੱਗਿਆ ਨੇ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 45 ਔਰ 46 ਮੇਂ ਇਤਨਾ ਸਹੀ ਪੰਗਾ ਪੜਾ, ਆਪ ਵੀ ਐਸਐਸ ਕੇ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਪੰਕੇ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਕਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹਮਾਰੀ ਜਨਤਾ ਕੋ ਕਿਆ ਕਹਾ ਹੈ, ਭਾੜੇ ਕੇ ਟੱਟੂ। ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ। जनता के भाड़े के टट्टुओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर जनता को भाड़े का टट्टू कैसे? जनता के भाड़े के टट्टुओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर जनता को भाड़े का टट्टू कैसे बोल सकते हैं? जो एक्स लीडर्स हैं अब उनका यहाँ से कोई वाबस्ता नहीं है, अब वो भी यहाँ पर जो है इनॉग्रेशन करने के लिए पहुँच गए हैं। आप आइए नीतियाँ काटने, हमें परेशानी नहीं है, पर पहले आप काम भी तो कराइए। 2018 से आप घरों में सोए हुए हैं, आज यहाँ पे आप फीतियाँ काट रहे हैं, हार पहन रहे हैं। तो ये मसला हुआ डिगियाने के वार्ड नंबर 45-46 में, जहाँ पर की लुक डल रही थी और वहाँ पर क्रेडिट लेने के लिए एक तरफ आगे कांग्रेस के कॉर्पोरेटर जो कह रहे थे कि ये मैंने करवाया, मैं इनॉग्रेट करूंगा, दूसरी तरफ आगे कविंदर गुप्ता जी और विक्रम रंधावा जी भी बीजेपी से ही कह रहे हैं वो हमने करवाई है, रोड का सारा सेंक्शन हमने करवाया, 25 लाख रुपए ना ये, इसलिए इनॉग्रेशन जो है हम करवाएंगे। और बीच में है जनता, जनता कह रही है भाई साहब ना आपने करवाया ना आपने करवाया, पिछले एक साल से हम लगे पड़े प्रोटेस्ट कर करके थक गए हैं, कभी सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं, दफ्तरों में खुद घूम रहे हैं, किसी ने नहीं करवाया, हमने करवाया, इसने इनॉग्रेशन करवाया नहीं देंगे। और जब कविंदर गुप्ता जी से पूछा तो उन्होंने जनता के लिए क्या कहा? जनता के भाड़े के टट्टुओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि जनता क्या है? जनता के भाड़े के टट्टुओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाड़े के टट्टू हैं। और उससे पहले जो कांग्रेस के कॉर्पोरेटर थे, जब उनसे पूछा गया कि आपको तो मोहल्ले वाले रोक रहे हैं इनॉग्रेशन करने से, उन्होंने क्या कहा? बीजेपी वालों ने कुछ गुंडे भेजे जो बोल रहे हैं नहीं जी ये काम हमने रखवाया था। ये मोहल्ले वाले नहीं है, ये बीजेपी के गुंडे हैं। मतलब यार एक तरफ कविंदर गुप्ता जी कह रहे हैं कि ये भाड़े के टट्टू हैं, मतलब किसी कांग्रेस वालों ने किसी ने बोला होगा, और दूसरी से कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये बीजेपी के गुंडे हैं। हाँ ये कर लो पहले डिसाइड कर लो आप दोनों आपस में कि पहले जनता क्या है। ये मतलब ये तो वही बात होगी ना, जैसे कि मैं अगर वीडियो बनाऊंगा बीजेपी के खिलाफ तो मैं कांग्रेसी बन जाता हूँ, अगर कांग्रेसी के खिलाफ बनाता हूँ तो मैं बीजेपी वाला बन जाता हूँ, ऐसे थोड़ी होता भैया। अच्छा उसके बाद जब विक्रम रंधावा जी से मतलब सवाल किया एक हमारी जर्नलिस्ट ने कि चलो चल क्या रहा है मांझरा, क्या चल रहा है, रंधावा साहब क्या कहते हैं? और इसी डेवलपमेंट पे बात करेंगे, देखिए ना सर कोई बात नहीं करेंगे, तीसरे डेवलपमेंट पे बात करेंगे। पहले 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 सर हाथ हाथ आप सारा मीडिया आप पहले हाथ आप सारा मीडिया सारा मीडिया सारा मीडिया आएगा सारा मीडिया रंधावा साहब कहते हैं ना 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 अभी कोई सवाल नहीं पूछेंगे, कल कल करेंगे बातचीत। हालांकि उस टाइम पे बात नहीं की, उसके बाद रंधावा साहब ने भी बात की जिसका मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा क्या बात की उन्होंने। लेकिन ये जो सड़क थी, मैं खुद यहाँ पे रोड रोलर के पास आया सड़क देखने आया मैं, ये सड़क ऐसी कौन सी बन रही है इसके दर्शन कर लो पहले यार, जिसके पीछे इतने सारे पंगे चल रहे हैं। आप भी देख लो यही सड़क जो है वार्ड नंबर 45-46 की बन रही है यहाँ पर, जिस के बन मतलब अभी बनी नहीं है अभी बन रही है और क्रेडिट लेने पहले से ही आ गए। अच्छा इन सब के बीच मतलब अब मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जो जनता थी वहाँ की उन्होंने क्या कहा कि क्यों हम किसी को इनॉग्रेशन नहीं करवाने दे रहे हैं वो सुन लो पहले। 2018 से सड़क ये खराब चल रही थी, हम लोगों ने एक साल हो गया प्रोटेस्ट करते रहे, उसके बाद लास्ट मंथ हमने फाइनली यहाँ पे सिग्नेचर कैंपेन चलाया, एक्सचेंज सर से बात की, उनके पास सारे लोगों से सारे एरिया में किसी पूछ सकते सबसे साइन करवाया, उसके बाद हम एक्सचेंज सर के पास गए, उनके पास रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ बनाइए, सर ने जब सैंक्शन कर दिया उन्होंने हमें बता दिया नेक्स्ट मंथ काम लग जाएगा। उसके कुछ दिन बाद इन्होंने देखा कि भाई हम तो कहीं गए नहीं, आज आम जनता जा रही है ऊपर, तो सर ये भी मैम ये भी पहुंच गए वहाँ पे ऊपर, इन्होंने भी कहा कि सर बनवाइए, और इन्होंने अभी खुद मीडिया में कहा कि हाँ जब मैं पहुंचा तो एक्सचेंज सर ने कहा इसका ये सैंक्शन हो चुका हुआ है बन जाएगा उसके बाद। मैम हम लोग लोकल लोग यहाँ पे इशू के लिए रेस करके गए, आज यहाँ पे मैम ये लोग क्रेडिट लेने आ जाते हैं, फीतियाँ काटने आ जाते हैं, आप आइए फीतियाँ काटने हमें परेशानी नहीं है, पर पहले आप काम भी तो कराइए। 2018 से आप घरों में सोए हुए हैं, आज यहाँ पे आप फीतियाँ काट रहे हैं, हार पहन रहे हैं, और जब हम लोग विरोध करें इनका तो यहाँ हम लोग को माँ बहन की गाली निकाल रहे हैं, हमारे बाप कहाँ पैदा हुए थे ये इनको जानना है। तो ये पड़ा था जी सारा पंगा अपने डिगियाना में वार्ड नंबर 45-46 के बीच जो लुक पड़ रही थी। और यहाँ पर मैं जितने भी नेतागण या जो भी वहाँ पर आए थे इनॉग्रेशन करने के लिए, इतनी सी बात बोलना चाहूँगा कि जनता को इनॉग्रेशन से फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी करे, उनको लुक से फर्क पड़ता था जो कि फिलहाल अभी पड़ रही है। और अगर इनॉग्रेशन करवाना ही था तो मतलब मेरी पर्सनल सलाह लेनी है या नहीं लेनी वो आपकी मर्जी है, इतना सारा पंगा डल रहा था आपने बोल देना था आ जाओ कोई मोहल्ले का बुजुर्ग बंदा उसी से इनॉग्रेशन करवा लेते, 4 तारीख एक और हो जाती। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो कविंदर गुप्ता जी ने जो उन्हें रोक रहे थे जनता, उन जनता को भाड़े के टट्टू कह दिया। मैं तो मतलब कविंदर गुप्ता जी कहाँ से ये पहले वार्ड आया, भाड़े के टट्टू क्या सोच कर आपने बोला, मतलब ठीक है गुस्सा आता है कंट्रोल कर लिया करो, वही जनता को आप भाड़े के टट्टू बोल रहे हो जिस जनता ने आपको वोट देकर जिताया, MLA बनाया, अभी आप एक्स MLA हैं, आगे भी क्या पता लड़ना लुड़ना होगा, तो फिर यही भाड़े के टट्टू जिनको आप बोल रहे हो ना उन्हें काम आना है, उन्हें वोट देना है।
SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.